वेलकम टू फार फिजिक्स बाई वी के। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं, नया वीडियो है हमारा और नेक्स्ट टॉपिक एनसीईआरटी चैप्टर 3, टॉपिक नंबर है 3.13 किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ, किरचॉफ रूल के नाम से जाना जाता है, किरचॉफ रूल। तो क्या इन रूल में क्या दिया गया और क्या इससे हम सीखने वाले हैं और क्या हमारे एग्जाम में कैसे सवाल इसके ऊपर से बनेंगे, है ना। तो आज हम पूरा इस टॉपिक के बारे में सीखने वाले हैं, क्लियर हुआ। और बहुत ही मैं बोलूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज की इस वीडियो का और बहुत ही धमाका मचा के रखा है इस टॉपिक ने, काफ़ी सर्किट सॉल्व करने में ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा बच्चों। तो बुक में बहुत ही लंबी चौड़ी लैंग्वेज में लिख के दिया हुआ है, हम इसको एकदम आसान भाषा में समझेंगे, टेक्निक से सीखेंगे इसको, है ना, समझ रहे हो चीज़ को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बच्चों हम करते हैं रिवाइज लास्ट वीडियो का। तो लास्ट वीडियो में बच्चों हमने सीखा था कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेल, उसमें हमने सीखा था सीरीज एंड अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो यहाँ पे कैसे क्या लिखा था। तो सीरीज में अगर कोई मान लो बैटरीज होती है बच्चों, तो हम उसका ई नेट जो हमें पता है कितना होता है, ई वन प्लस ई टू, कब जब डिफरेंट डिफरेंट पोलारिटी कनेक्टेड होता है, इसे बोलते हैं हेल्पिंग कंडीशन, हमको बताया था। पर अगर मान लो पैरेलल है तो ई नेट उसका होता होगा ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता था। अगर मान लो यहाँ पे है, मान लो सेम सेम पोलारिटी, तो लगा दो माइनस और फिर यहाँ पे लगा दो माइनस, है ना। चीज़ हमने सीखी थी लास्ट वीडियो में। तो फटाक से करते इसको इरेज होकर करते नया टॉपिक शुरू, किरचॉफ रूल। किरचॉफ रूल, तो बच्चा लोग मैं आपको बता दूँ, किरचॉफ रूल दो तरह के रूल्स ने दिए इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड में, बहुत ही काम का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसका वहाँ पर है, हाँ। तो देखो पहला जो इसका रूल नंबर है, इस रूल को नाम दिया है जंक्शन रूल, क्या बोला इसको, जंक्शन रूल। सेकंड जो है वोल्टेज लॉ, वोल्टेज लॉ इसको बोलते हैं, वोल्टेज रूल भी बोलते हैं और वोल्टेज रूल भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं के एफ एल, के एफ एल प्यार से, किर्चो फर्स्ट लॉ, इसको बोलते हैं के एस एल। कभी कभार आपको बुक में के वी एल भी दिखा हुआ मिल जाएगा, केवीएल मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ, है ना। तो ओके, शॉर्टकट नाम कुछ है नहीं, रखा है नहीं इसमें। और रूल क्या बोलता है, देखो रूल क्या बोलता है, रूल में कुछ ऐसा है बच्चा लोग, कहता हूँ साइड में इसको मैं, रूल देखो मान लो जंक्शन रूल कर रहा हूँ मैं, जंक्शन रूल, जंक्शन रूल कर लेते हैं। देखो जंक्शन रूल में क्या है, तो मान लो ये अपना कोई हो गया जंक्शन, मान लो जंक्शन पी है ना, मान लो देखा होगा कोई सर्कल है तो तीन चार रोड मिलते हैं, चार पांच रोड मिल जाते हैं वहाँ पे सर्कल पे, बोलते जंक्शन बोलते क्या उसको, ऐसे पॉइंट को बोलते जंक्शन। तो वैसे ही हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में भी क्या होते हैं कि दो तीन वायर मिल रहे होते हैं, है ना। मान लो ये वायर हो गया ऐसे, एक ऐसे है, एक ऐसे, एक ऐसे है ना, ऐसे मान लो जंक्शन है पी, इसको वन, इसको टू, इसको थ्री, इसको फोर, इसको फाइव में नाम दिया है ना। तो देखो बच्चा लोग, यहाँ से मान लो करंट अपना आ रहा है I1, यहाँ से करंट जा रहा है I2 अंदर, करंट बाहर आया I3, करंट I4 और यहाँ पे आ रहा है I5। चीज़ आई समझ में, चीज़ आई समझ में, है ना। बोलो आया कि नहीं आया। पांच तरह के वायर है जिसमें से कोई कर, कोई वायर में करंट आ रहा है, कोई वायर में करंट जा रहा है, आई वन में करंट आ रहा है, आई टू में आ रहा है ना, ऐसा कोई आ रहा है कोई जा रहा है। तो जंक्शन रूल बच्चा लोग क्या बोलता है, जंक्शन रूल में देखोगे आप तो जंक्शन रूल देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ अच्छे से, आई आउट इज इक्वल टू आई इन, समझे इसमें। टोटल आई एट जंक्शन, एट जंक्शन पॉइंट आई आउट इज इक्वल टू आई इन। अब इसको कैसे लगाना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा अच्छे से, मैं इस वीडियो में न्यूमेरिकल कैसे मैं हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे वो भी पूरी प्रैक्टिस के साथ मैं आपको सिखाऊंगा। तो देखना ध्यान से अच्छे से लास्ट तक देखना इस वीडियो को, है ना। तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी एकदम फटाक से, देखो फटाफट। तो आई इन, सॉरी आई इन इज इक्वल टू आई आउट, तो यहाँ पे आई इन कौन कौन है, देखो यहाँ पे आई वन जो इन आ रहा है, आई टू जो इन आ रहा है, तो यहाँ पे देख लो आई इन, आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू
i3 प्लस i4 और प्लस यहाँ पे कर लो i5, है ना, i5 यहाँ पे। समझ में आई चीज? तो यहाँ पे कर लो i5, मतलब जितना करंट अंदर एंटर करता है जंक्शन में उतना ही करंट बच्चों बाहर निकल जाता है जंक्शन में। अब जिस वायर से करंट आया जरूरी नहीं है कि उसी वायर से बाहर जाए, समझ में आया, कहीं से बाहर जा सकता है। लेकिन मैं जंक्शन की बात करूँ पर्टिकुलर, तो जितना करंट अंदर आया एंटर करा उतना ही करंट बाहर जाएगा जंक्शन से। ये हो गया फर्स्ट लॉ। आया समझ में? चीज हुई क्लियर? चीज हुई है ना। अब देखो बच्चा लोग, अब नेक्स्ट पेज में थोड़ा करते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ, ध्यान से देखना इस चीजों को, बहुत ही अच्छा रूल है और कैसे न्यूमेरिकल में इसको हम अप्लाई करेंगे उसको पकड़ के चलना है। मैं बहुत इसको थोड़ा है अलग लैंग्वेज में दिया बुक में, मैं करूँगा एकदम इसको आसान। तो किरचॉफ सेकंड लॉ जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं वोल्टेज लॉ। से क्या बोलते हैं? वोल्टेज लॉ। ध्यान से ना देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा एक सर्किट बना लेता हूँ अच्छे से। मान लो ये अपना हो गया, ऐसे बना लिया मैंने सर्किट, है ना। यहाँ पे बैटरी भी ड्रॉ कर लेता था कि बैटरी में कैसे लगाना वो भी आपको समझ में आ जाए। मान लो ये ऐसे है, और इसको लगता है कुछ ऐसा, है ना। और यहाँ पे मान लो बड़ी बैटरी है, इसको R1 दो, E1, E2, R2, E3, R3। चलो मैं बच्चा लोग, मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, देखो ध्यान से। मान लो अपना एक बैटरी है, ऐसे कोई रेजिस्टेंस है R, है ना, EMF E है। अगर इसको आप ऐसे लिखोगे ना, ऐसे तो भी ये चीज़ क्या है? सेम है दोनों, दोनों क्या है? सेम। मेरी चीज़ पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही यार। इसको इस साइड लिखो या फिर इस साइड लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज़ याद करना। तो ये काफ़ी बच्चे इसमें तो थोड़ा कन्फ्यूज हो रहते हैं, दोनों चीज़ क्या है? सेम है ना। तो देखते जाओ यहाँ पे, तो ये मैंने कोई बैटरी लगा दी, कुछ ऐसे मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। तो केवीएल बच्चों कैसा लग रहा? डायरेक्ट मैं उसी पॉइंट पे आता हूँ। केवीएल जो बच्चों ऐसा बोलता है कि एनी क्लोज लूप, एनी क्लोज लूप की बात कर रहा है केवीएल। एनी क्लोज लूप की बात, एनी क्लोज लूप, एनी क्लोज लूप द टोटल सम ऑफ ऑल ईएमएफ, ऑफ ऑल ईएमएफ इज जीरो। मैं जेड है, जेड में से लिखता हूँ, है ना, जेड समझना इसको, जेड इज जीरो, ठीक है। ये बोलते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ। नहीं आएगा समझ, लेकिन मुझे करके दिखाना पड़ेगा, देखना ध्यान से। मान लो करंट यहाँ से निकल गया ऐसे, ये सेंटेंस में को समझ में आ गया कि कोई क्लोज लूप में उठाओ और सारे ईएमएफ का सम जीरो, ये सेंटेंस हमें बता रहा है बुक में भी क्या ये लिखा है। लेकिन बच्चा लोग इसको अप्लाई कैसे करना है ना, वहाँ पे ही 90% बच्चे रुक जाते, कर नहीं पाते। तो वही डिट्टो हमें सीखना है आज इस वीडियो में अच्छे से। देखो ध्यान से मैं कैसे क्या कर रहा हूँ। करंट आई यहाँ से फ्लो हुआ, आई गया यहाँ पे, आई गया यहाँ पे, बटेगा करंट थोड़ा, बटेगा ही। इसको मैं कर रहा थोड़ा जूम, है ना। तो देखो यहाँ पे थोड़ा मैं अलग कलर लेता हूँ ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ। यहाँ पे देखो जाएगा I1, मान लो गया I2, मान लो गया I3, ऐसा हमने मान लिया है ना। समझ में आई? नको नको नको। देखो क्या करा, करंट जो है अपना डिवाइड करा है I1 I2 I3। यहाँ से I1 बाहर आएगा, I2 बाहर आएगा, I3, और टोटल करंट जो अंदर गया था वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंटर हो जाएगा। तो पहला अगर यहाँ पे हम जंक्शन रूल लगाते बच्चा लोग, यहाँ पर
पहला जंक्शन टू लगा था। जंक्शन टू क्या बोलता है देखो यहाँ से ध्यान से, तो जंक्शन टू जो बच्चा लोग बोलते हैं हमें, फर्स्ट लो अगर हम यहाँ पे लगाए फर्स्ट लो, तो ये आप देखोगे यहाँ पे, इसको मान लो जंक्शन में J1 नाम, इसको जंक्शन J2 बोलो। जंक्शन J1 क्या बोलते हैं, आई आउट, अकॉर्डिंग टू जंक्शन टू क्या, आई आउट इज इक्वल टू आई इन। तो आई आउट कितना है यहाँ पे, तो आई आउट जो है I1 प्लस I2 प्लस I3, और I इन कितना था, I, फर्स्ट लो लगा दिया, इतना लगाना आना चाहिए किसी भी जंक्शन के ऊपर, फर्स्ट लो ऐसे लगाते, आया 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 कि नहीं, है ना, ऐसे लगाते फर्स्ट लो। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सेकंड है, सबका बाप क्या है, इम्पोर्टेंट सेकंड रूल है, उसी को लगाना सीखना है। तो मैं एकदम ट्रिक्स के साथ बता रहा हूँ कैसे लगा भाई। तो सबसे पहले बच्चा लोग आप क्या करोगे बताए, पहले आप करोगे करंट डिस्ट्रीब्यूशन, क्या करोगे, करंट डिस्ट्रीब्यूशन, समझ में आया, करंट डिस्ट्रीब्यूशन ही करोगे पहले। तो देखो ये जो मैंने करा करंट डिस्ट्रीब्यूशन, आई गया I1 यहाँ, I2 यहाँ, I3 यहाँ पे, है ना, समझ आया, करंट कर दिया डिस्ट्रीब्यूट। अब देखो करंट यहाँ से जा रहा है ऐसे, है ना, ये पॉजिटिव बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है ना। तो हमें यहाँ पर दो चीज़ें देखनी है, थोड़ी दो चीज़ें दिमाग में रखनी है, दो चीज़ें देखते जाओ कैसे मैं इस पर यहाँ पर लग, देखो ये लूप थोड़ा इसको मैं करता हूँ नॉमिनिक्लेचर, इसको 1 बोलूँ, इसको 2 बोलूँ, 3 बोलूँ, 4 बोलूँ, 5 बोलता हूँ मैं। तो देखते जाओ यहाँ पे हमने क्या करा, नॉमिनल नाम दे दिया ताकि लूप हम आइडेंटिफाई कर पाए। इसको ध्यान से देखना आप, जो यहाँ से होगा वो रही वही असली खेल, 1 2 3 4 5, है ना, कोई सा भी लूप उठा लो, हमें EMF का सम 0 करना है, ये हमारा सेकंड रूल बोलता है ना। तो देखो मैं इसको करता हूँ मैं साइड में, तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पर छोटी सी स्पेस में देखो मैं लूप लेता हूँ, ये वाला लूप नंबर 1 4 5 6 एंड 1, मतलब ये वाला लूप है ना, ये जो है ये लूप 1 4 5 6 और फिर से 1, लूप पे लगा रहा हूँ मैं किरचॉफ लॉ, ठीक है। तो सबसे पहले आप, मैंने आपको बताया करंट डिस्ट्रीब्यूट करो, जो मैंने क्या बताया आपको, जो मैंने आपको बताया ये चीज, पहले करोगे आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दे, तो यहाँ पे करंट करो डिस्ट्रीब्यूट, फिर आप लगाओगे प्लस माइनस का साइन, टू आर। तो आइए लगाते हैं प्लस माइनस का साइन, देखना अच्छे से कैसे क्या हो क्या रहा है, वरना ये जा रहा है सारा बाउंस, अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको, इस लूप पे 1 4 5 6 पे लगाओ। अब बाकी रहेगी अपना प्लस माइनस वाला साइन, फिर आ रहा है करंट, देखो यहाँ से ऐसे जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है, तो मतलब ये क्या होगा, हाई होगा, ये होगा अपना लो, है ना, माइनस, देखो करंट यहाँ पे जा रहा है ऐसे जा रहा है, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, यहाँ पे देखो करंट जा रहा है ऐसे, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, लगा दिया। अब चलना शुरू कर, देखो अभी ऐसे हम चल रहे हैं, तो साइड में करता हूँ मैं इसको, यहाँ पे देखो ये देखो यहाँ पे लगाता हूँ मैं, कैसे लगाते हैं इक्वेशन ऑफ किरचॉफ लॉ। अब देखो यहाँ से मैं गया है ना, 1 से शुरू किया, देखो ये करंट हो रहा है I2, तो इसका बीच क्या होगा, EMF कितना होगा, I2 इंटू होगा R2, है ना, इसका वही होगा ना पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच का, I2 इंटू R2। अब प्लस माइनस क्या आएगा, देखो ये प्लस से हो रहा है माइनस, क्या हो रहा है, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, हम मतलब चल रहे ऐसे है, ऐसे चल रहा है, प्लस से माइनस हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लगाओ माइनस, फिर से देखो हम, देखो यहाँ चलना शुरू किए, तो यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस आया, तो इसको इसे क्या होगा, पोटेंशियल यहाँ पे डिफरेंस हुआ होगा, पोटेंशियल कम हुआ होगा या बढ़ा होगा, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, कितना पोटेंशियल में चेंज आया, I2 R2, है ना। तो देखो ये प्लस से क्या हो रहा है, ये देखोगे यहाँ पे
देखो, हाँ ये देखो प्लस से हो रहा है माइनस, तो कम हुआ, कम और क्या करोगे माइनस लगाओ। अब बैटरी का आ गया अपना प्लस टर्मिनल, क्या है यहाँ पे प्लस, प्लस से कहाँ भाग रहे हो माइनस, प्लस से कहाँ भाग रहे हो माइनस, कहाँ भाग रहे हो माइनस, क्या हुआ कम हुआ, तो क्या करोगे माइनस लगाओ माइनस, समझ आई। अब यहाँ से देखो बैटरी का कौन सा आया टर्मिनल, प्लस वाला, कौन सा आया प्लस वाला, प्लस से क्या हो रहा है माइनस, कम हो रहा है, तो लगाओ यहाँ पे ई टू माइनस, आई जी समझ में। अब देखो यहाँ पे माइनस से प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा ई एम एफ आई वन आर वन, प्लस माइनस, माइनस से प्लस हुआ तो मतलब बड़ा, क्या लगाओगे प्लस। देखो आगे वही पॉइंट पर है ना, यहाँ पे आगे इक्वल टू जीरो पुट कर लो, ये सब क्या है ई एम एफ है, सब क्या है ई एम एफ है ना, इन सभी ई एम एफ क्या है सम जीरो, ये बोलता है सेकेंड रूल, आया समझ में, आया नको आया। आप देख लो, आप कुछ बोलो को सवाल हो गया सर आप ऐसे ही क्यों चला है, ऐसे क्यों नहीं चला है ना, देखो ऐसे चलते हो आप, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर वन बोलो इसको, यहाँ पे देखो इसको मैं करता हूँ इरेज, यहाँ पर देखता हूँ मैं लूप नंबर 1 4 5 6, आया समझ में, समझ में आया 1 4 5 6 1। अब देखो यहाँ पे मैं चलता हूँ उल्टा ऐसे है ना, 1 6 5 4 1 ऐसे चलता हूँ मैं, देखो अब तो करंट देखो यहाँ से गया I3, यहाँ पे भी क्या आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, करंट कितना है डिफरेंस कितना है पोटेंशियल का, I3 R3, प्लस माइनस, तो प्लस से जा रहे हो माइनस, प्लस से जा रहे हो माइनस, तो कम हुआ लगाओ माइनस। अब बैटरी का आ रहा है माइनस वाला टर्मिनल, तो बैटरी जा रही है माइनस से प्लस, तो क्या करोगे E1 लगाओ प्लस में, आया समझ में, आया समझ में। फिर यहाँ पे देखो ये बैटरी का आया माइनस टर्मिनल, कौन सा आया माइनस वाला, कौन सा आया माइनस वाला, तो माइनस से क्या हो रहा है प्लस, माइनस से क्या हो रहा है प्लस, तो ये बड़ा क्या करोगे E1 है ना। अब देखो यहाँ पे आया फिर से एक और रजिस्टर, तो क्या करोगे I2 R2, माइनस से प्लस बड़ा, तो प्लस लगाओ इज इक्वल टू क्या करोगे जीरो है ना। अब यहाँ पे देखोगे आप इसका अगर माइनस आप कॉमन निकाल दोगे है ना, माइनस क्या कर लो कॉमन निकाल लो, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड, ये हो जाएगा कुछ ऐसा, समझ आया भैया, उठ गया तोते उठ गया आप लोग, समझ आया है ना, बहुत ही आसान है चीज़, क्लियर है आपके सामने, समझ आया नहीं आया, यहाँ पे देखोगे है ना क्लियर हुआ, यहाँ पे देखोगे थोड़ा मैंने I1 I ऐसा लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे आएगा I3, बाई मिस्टेक लिख दिया मैंने I3 है ना, क्लियर हुआ, देखो मैच कर लो सब सेम हो क्या, माइनस है ओके, प्लस है ऐसा है, चीज़ हुई क्लियर, चीज़ हुई क्लियर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप ऐसे चलो या ऐसे चलो। अब बुक में क्या दिया है, अगर करंट की डिरेक्शन में चलते हो तो क्या लगाओ माइनस लगाओ, या करंट के ऑपोजिट चलते हो तो माइनस लगाओ प्लस लगाओ, वो सब मुझे याद नहीं है, ऐसे मुझे याद नहीं करा है, ऐसे ही याद करोगे ट्रिक के साथ। अगर करंट की दिशा में दो ही चीज़ आपको पॉइंट याद करना है, दो ही पॉइंट याद करने आपको, कि पहले आप करोगे करंट डिस्ट्रीब्यूशन, फिर करंट डिस्ट्रीब्यूशन को देख के जो जो कंडक्टर है वहाँ पे क्या करोगे मतलब रजिस्टर, वहाँ पे लगोगे प्लस माइनस का साइन और चलना शुरू करोगे, चलना शुरू करोगे तो इक्वेशन जो बच्चा लोग ऑटोमेटिकली बनती जाएगी ऐसा है। अब इन इक्वेशन का होता क्या है, तो ऐसे ही इक्वेशन बच्चों आपको सवाल बन सकते हैं, बताओ इस लूप में कितना करंट फ्लो हो रहा है, बताओ इस ब्रांच से कितना करंट फ्लो हो रहा है, कि यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ऐसे सवाल बनते हैं। तो उस ऐसे सवालों का आंसर करने के लिए बच्चे लोग आपको आना चाहिए किरचॉफ लॉ लगाना, है कि नहीं, है कि नहीं। आइए एक लेते एग्जाम्पल छोटा वाला, देखो सवाल करते छोटा वाला, देखो यहाँ पर देखो देखो मान लो उसी सवाल को उठाते हैं, हो गया रेजिस्टेंस आर, इसको करता हूँ मैं से कनेक्ट, मान लो लगा रहा बैटरी में है ना, यहाँ पे लगा देता हूँ मैं छोटी वाली बैटरी।
अब मैं यहाँ पे फुल टू ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको, फुल टू ट्रिक्स सुनना आप ध्यान से चीज को। किरचॉफ लॉ लगाना तो आना ही चाहिए प्लस ट्रिक्स भी आने चाहिए, इसे बोलते हैं पॉइंट मेथड। मैं आपको सिखा रहा हूँ पॉइंट, आप लगा दो टाइटल पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड है ना, सुनो थोड़ा इस चीज़ को थोड़ा स्किप कर लेना, क्योंकि ये मैं बना रहा हूँ है ना। तो हो गया यहाँ पे, मान लो ये टू ओम, टू ओम, टू ओम, फोर वोल्ट, फोर वोल्ट, सिक्स वोल्ट मान लो है ना, समझ आई चीज। देखो ये अपना हो गया सर्किट छोटा वाला, ऐसे बना दिया रैंडमली, मुझे याद भी नहीं कैसे क्या आंसर था क्या आ रहा है। अब ये देखो नेगेटिव टर्मिनल है, तो बच्चा लोग मैं बता दूँ बैटरी का काम होता है क्या, होता है काम बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। तो यहाँ पे बैटरी लगाई, तो यहाँ पे क्या इस बैटरी का काम है कि इस जो है लाइन में 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करो, इसका भी काम है 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए है ना। तो देखो यहाँ पे मैं मान लो इसको मान लो तो 0, तो यहाँ पे क्या नेगेटिव, इसको इस टर्मिनल को मैंने मान लिया 0, कुछ भी वैल्यूज आप मान सकते हो, एक मान सकते हो पूरी सर्किट में, पूरी सर्किट में एक ही कॉन्स्टेंट मान सकते हो, ध्यान से लेना इस चीज को। यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे भी क्या हो गया 0 हो गया। क्यों 0 है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है सब सेम कंडक्टर है ना, सब क्या है सेम कंडक्टर है, सब में क्या आएगा 0 आएगा। अब यहाँ पे 4 आएगा, तभी ये क्या होगा 4 का डिफरेंस बैलेंस हो पाएगा। इसको मैं करता हूँ कोई और कलर से, चलो जूम ही कर लेता हूँ मैं, करता हूँ मैं 4, इसका भी क्या हो जाएगा 6, तभी होगा ना बैलेंस, तभी बैलेंस हो पाएगा। अब देखो पूरे सर्किट में आप कोई एक कॉन्स्टेंट नंबर मान सकते हो, एक कोई एक पूरे सर्किट में एक कॉन्स्टेंट नंबर जो मैंने 0 मान लिया। अब यहाँ से देखो ये भी एक जंक्शन है, इसको मान लो यहाँ पे मैं मानता हूँ मैं पोटेंशियल डिफरेंस मान लो एक्स है, क्या है एक्स है। अब मुझे निकालना है इस पर्टिकुलर ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है ना, मुझे निकालना है कितना ईएमएफ क्या है, सुनना ध्यान से। तुम इसको मान लिया एक्स, देखो कैसे क्या लगाना है, तो देखते जाओ धीरे धीरे। तो हमें यहाँ पे लगाना है जंक्शन को, जंक्शन होता क्या है I1 प्लस I2 प्लस I3 जी को, अगर ऐसा करोगे आप आई आउट इज इक्वल टू आई इन, तो आई आउट माइनस आई इन इज इक्वल टू ज़्यादा 0 होता है ना, सम करोगे तो सभी करंट्स का जो आए जो बाहर गए रहेगा 0। तो करंट क्या होता है V इज इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू V बाई आर है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई क्या करोगे आर करोगे। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, यहाँ पे देखो बच्चा लोग मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे फर्स्ट लो जंक्शन रोड, तो V बाई आर है ना, V बाई आर। तो मान लो करंट मैंने डिफरेंस कितना एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फोर डिवाइड बाई आर है ना टू। देखो ध्यान से एक और बार समझा रहा फिर से, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा एक्स, क्यों एक्स, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्स माना, तो ये क्या है सेम कंडक्टर, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स एक्स एक्स, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर डिफरेंस एक्स माइनस ही करना है, 4 माइनस एक्स नहीं लेना है ठीक है, क्यों ये मेथड है। अब 4 माइनस एक्स लोगे तो बैलेंस होकर भी क्या आ जाएगा टोटल जो आएगा आंसर वो सेम ही आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 4 माइनस एक्स लो या 4 माइनस कैसे भी करो फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आप क्या करो सीधा बता रहा हूँ मैं, एक्स माइनस फोर कर लो, एक्स माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स है ना, हमें इसको बड़ा मान के चल रहे हैं, समझ में ये चीज़, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सामने 0 है तो प्लस कॉमन ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया एक्स माइनस फोर डिवाइड बाई आर करा, प्लस करो मतलब ये क्या हुआ करंट हुआ ना आई वन, जो भी आप नंबर आई वन आई टू, ये हुआ एक्स माइनस फोर डिवाइड बाई टू प्लस एक्स माइनस सिक्स डिवाइड बाई टू इक्वल टू 0, समझ आई चीज। तो करता हूँ मैं इसको ऊपर, देखो इसको तो एलसीएम लो, तो 2 हो गया कॉमन है, तो देखो 3x माइनस 6 कितना होगा 8, 8 प्लस 6 कितना होगा 8 प्लस 6 हो जाएगा 14 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या है 14/3, समझ आया, मतलब वहाँ पे पोटेंशियल कितना है, देखो यहाँ पे, यहाँ पर जो पोटेंशियल कितना है 14/3, मतलब अब करंट यहाँ से कितना फ्लो हुआ होगा 14/3 माइनस आप कर लो 4 डिवाइड बाई कर लो 2,
ये आपका आंसर जो यहाँ पे करंट फ्लो हुआ होगा। तो वैसे आप इस पॉइंट मेथड से आप कर सकते हो, करंट भी निकाल सकते हो। और अगर मान लो इंडिविजुअल यहाँ पे पूछा कि मान लो पॉइंट पी पे कितना पोटेंशियल है वो बताओ, तो ये भी आप निकाल सकते हो बाई यूजिंग पॉइंट मेथड। समझ में आई चीज़? समझ में आई चीज़ आई कि नहीं आई? तो ये ऐसे आपको याद करना, मैंने आपको बताया था कि जो ईएमएफ ई सेल होगा, फॉर्मूला वॉर्मूला याद नहीं करो यहाँ पे कितना का ई सेल होगा, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, है ना। ये चीज़ मैंने आपको सिखानी थी और यही चीज़ आपको आनी चाहिए। अगर और आप रिक्वेस्ट करते हो कि सर ऐसे इसी मेथड से और सम सॉल्व करो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना है। मैं और भी घटिया वाला सवाल जिसमें आप फंस रहे हो वो भी सवाल मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, कैसे क्या ट्रिक्स और कैसे क्या करना है ना। तो ये हो गया आपका किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, क्लियर हुआ? तो यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को करना है लाइक और करना है चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।